हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शादी और पार्टियों में बनने वाली मस्तानी आलू गोभी की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, एक पैन में आप तेल को गरम कर लें और आलू और गोभी को काट के रख लें और धो के रख लें। आलू को आप इस तरह के पीसेस में काटें, इस तरह के पीसेस में, और गोभी को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लें। और इधर तेल गरम हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, इस तेल में आलू और गोभी को अलग अलग सेलो फ्राई करेंगे। पहले हम आलू को सेलो फ्राई करेंगे, इसके बाद गोभी को सेलो फ्राई करेंगे। इस तरह से अब आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करने के बाद इसके बाद हम लोग गोभी को फ्राई करेंगे। अब ये सब सामग्री लेंगे, प्याज, मटर, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। इतनी सामग्रियाँ लेने के बाद हम लोग एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद इसमें जीरा देंगे, जीरा चिपक जाए तो लहसुन देंगे कटी हुई, हरी मिर्च देंगे, कटा हुआ दमक टमाटर गल जाए तो इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अब इस सबको भूंज लेंगे, भूंजने के बाद इसमें मटर डालेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे, गोभी को डालेंगे। हवाई सारे मसालों के बाद में रिपीट करके सारे मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, नमक, एक चम्मच अपने स्वाद के अनुसार हम रिपीट कर सकते हैं, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, इसके बाद हल्का सा घी डालेंगे, एक चम्मच के करीब, और पानी डालेंगे, पानी थोड़ा कम ही डालें क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सी ड्राई होती है, क्योंकि शादियों पार्टियों में बनने वाली मस्तानी आलू गोभी की सब्जी है।
देखिए घी डाल दी हूँ, अब इसको ढक देंगे। हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार होगी है, शादी पार्टी में खाने वाली आलू गोभी की सब्ज़ी।